गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन लाइक। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस। नाउ इमेजेस इज फर्स्ट इमेजेस इज रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके, देखिए तो वर्चुअल इमेज क्या होती है। अ वर्चुअल इमेज इज प्रोड्यूस व्हेन अ रे ऑफ लाइट रीचेस अवर ऑब्जेक्ट। की वर्चुअल इमेज वो होती है जहां पर लाइट की रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है, बट देयर इज नो, लेकिन वो वहां नहीं होती है। इनफैक्ट नो ऑब्जेक्ट ऑन द अपेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बिना रोशनी के नहीं दिखाई दे सकता है, इसलिए हमें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ओके, देखिए, एन इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में इमेज किस प्रकार फॉर्मेड होती है। ऑफ द सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट का सेम साइज रहता है, द इमेज इज ऑलवेज एग्जैक्ट एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा एक्स्ट्रेक्ट सामने बनेगी और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। सेकेंड इज फार बिहाइंड द मिरर, उसी प्रकार जो मिरर के पीछे होती है, यदि कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑन इट, यदि वो उसके बिल्कुल क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, यदि मिरर के बिल्कुल ऑब्जेक्ट पास में रहेगा तो क्या होगी, उसके पीछे बनेगी और दूर इमेज बनेगी। ऑलवेज वर्चुअल इमेज, हमेशा ऑलवेज वर्चुअल बनेगी। फोर्थ, लिटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपेयर्स ऑन राइट एंड राइट वाइस वर्स। इन लिटरली इन्वर्टेड बने, जैसे हमें जो लेफ्ट हैंड है वो हमें राइट में दिखेगा, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखेगा, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट में शो होगा हमें। ओके, एंड रियल इमेज वहां होती है, एंड रियल इमेज इज सीन एट द पॉइंट वेयर द इमेज इज एक्चुअली फॉर्मेड। रियल इमेज एक ऐसे पॉइंट पर होती है जहां पर इमेज एक्चुअली फॉर्मेड होती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम रियल इमेज के लिए देख सकते हैं पिन होल कैमरे के द्वारा। ओके, सो टू बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स। ओके, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। हम यू नो डेट द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ प्लेन मिरर इज प्लेन। हम जानते हैं कि जो जब किसी प्लेन मिरर पे, प्लेन जगह का प्लेन मिरर पे बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होती है, उसकी प्लेन होती है, तो सब जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी। बट वेन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर, यदि उसी जगह जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जहां पर रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, यदि वो जगह सर्फेस कर्व है या थोड़ी सी घूमी हुई है, स्फेरिकल है, थोड़ी सी आधी मुड़ी हुई है, इट इज कॉल्ड स्फेरिकल और कर्व मिरर। तो उसे बोलेंगे हम स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स हूज सर्फेस मे बी कंसिडर्ड एज द पर्थ ऑफ स्फेरिकल सर्फेस। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जिसपे मे बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सर्फेस, वो स्फेरिकल सर्फेस के ही पार्ट होते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, पहला होता है कॉनकेव मिरर्स एंड दूसरा होता है कॉनवेक्स मिरर। ओके, इस कॉनवेक्स कॉनकेव मिरर्स इट्स आउटर सर्फेस इज पॉलिड। देखिए, अब कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, जो उनकी बाहर वाली सरफेस रहती है वो पॉलिश्ड करी हुई रहती है, एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, इट इज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर रहते हैं उनकी अंदर वाली सरफेस को हम पॉलिश करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर। अब जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है किस प्रकार कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मिरर होते हैं। ओके, तो देखिए, इस सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो यू माइट हैव सीन अ शेविंग मिरर विच गिव एन इनलार्ज व्यू ऑफ द फेस। अब देखिए, जब आप लोग शेविंग करते हैं, जो शेविंग करते हैं बार्बर वगैरह जो करते हैं शेविंग, उनका जो कांच रहता है वो कैसा होता है, उनका जो कांच है वो कॉनकेव मिरर जैसा रहता है, उसमें क्या होती है, उनका जो फेस होता है बड़ा दिखता है उन्हें। अ ड्राइविंग मिरर हेल्प अस टू सी मोर ऑफ द रोड। और जो ड्राइविंग जो व्हीकल लगे रहे व्हीकल होते हैं उनकी गाड़ियों में जो मिरर लगे रहते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दीज आर कर्व सरफेस, उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, सरफेस मतलब जो कर्व होती है, जिससे क्या होते हैं वो इजिली दूर तक की रोड का देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स। अब देखिए, इम्पोर्टेंट टर्म्स और इमेज किस प्रकार फॉर्मेट होती है स्फेरिकल मिरर्स में। द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेयर, अ पार्ट ऑफ विच द मिरर फॉर्म इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इंडीज डिनोटेड बाय द सी। देखिए, जब जियोथर्मिकल सेंटर होता है
वो क्या होता है ऑफ द स्फीयर इज पार्ट, स्फीयर का एक पार्ट ऑफ द विच द मिरर फॉर्म, जहां पे मिरर की ऑब्जेक्ट और मिरर की लाइट बन रही है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्व, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्व, या उसे सी से डिनोट करते हैं। ओके, लाइक दैट डायग्राम, जिसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ बीच में सी दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्व, जो सी से डिनोट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसमें क्या होता है बीच में सी को डिनोट करा, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्व। लाइट रेज, वो जब उनपे द जियोथर्मिकल, जो जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर फॉर्मेट इज कॉल्ड द पोल, वो देखिए जहां पर मिरर की इमेज फॉर्मेट होती है उसे बोलते हैं हम पोल, एंड इज डिनोट बाय द पी, जिसे पी से दर्शाते हैं। सेकेंड, द रेडियस ऑफ स्फीयर, अब जो स्फीयर जो मिरर है गोल, उसकी जो रेडियस होती है, रेडियस मतलब होती है त्रिज्या, अ पार्ट ऑफ विच आर कर्व, जो विच पार्ट कर्व सरफेस होती है फॉर्म्स की, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं। थर्ड, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर, अब देखिए जो लाइन पोल और सेंटर के बीच को पास करती हुई निकलती है इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम पी सी से डिनोट करते हैं, पी एंड सी से डिनोट करते हैं। फोर्थ, द रेज ऑफ लाइट पैरेलल और इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉनकेव मिरर, अब देखिए जो लाइट की किरणें होती है वो पैरेलल होती है, इंसिडेंट होती है, वो उनके प्रिंसिपल सिद्धांत के अक्ष पे वर्क करती है ऑन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट, और जिस पॉइंट पर आके मिलती है द पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, और जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।